भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के पटेल प्राइमरी स्कूल में। हमने कल आपको यहाँ की खबर दिखाई थी जिसमें बच्चों को जो खाना दिया जा रहा था वो बेहद ही घटिया किस्म का खाना था, और ये खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं अब जो है विधायक जितेंद्र अवार्ड जो है वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं। अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आज वो यहाँ स्कूल में विजिट के लिए भेजे थे कि क्या खाना किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर भी आए थे और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत की है, और ख़बर दिखाने के बाद जो है मनपा प्रशासन भी अब हरकत में आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जो है मिलने के लिए बुलाया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से ठाणे महानगर पालिका जो लोगों को सेहतमंद रहने के लिए अपने तरफ से अलग अलग जो है जानकारियां देती है कि आप किस तरह से स्वच्छ रहें, साफ़ रहें, और उसी ठाणे महानगर पालिका की तरफ से जो खाना स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है वो बेहद ही घटिया किस्म का है। आज भी जो यहाँ पर खाना आया था ये तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, और ये लोग यहाँ पहुँचे और उस खाने को टेस्ट किया। क्या टेस्ट हुआ खाने में, इन्हीं से पूछते हैं। बंटी भाई, आपने भी खाना वो खाया यहाँ पहुँचने के बाद, कैसा लगा खाना वो, क्या बताएंगे आप? खाने की क्वालिटी सही नहीं है ये हमको मालूम पड़ा, तो हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो हम लोग ने खाना खा के चेक किया कि सही में कुछ है क्या उसमें। खाने में चावल सही से बना नहीं है और दाल के नाम पे सिर्फ पानी दे रहे हैं लोग, और ये बच्चे लोग को जो चीज़ खिला रहे ये तो बहुत बड़ा पाप है। बच्चे लोग के साथ ये अन्याय हो रहा है पूरा, और ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, खाने की क्वांटिटी भी पूरी नहीं आ रही है। 700 बच्चे इधर अब्सेंटी छोड़ के अगर देखेंगे तो 700 बच्चों के लिए खाना आता है, 700 बच्चों के लिए 4 और 5 डब्बे लोग खाना भेज रहे हैं। एक तो क्वालिटी बराबर नहीं है, उस वजह से बच्चे खा नहीं पा रहे खाना, तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। और इसके जो भी अधिकारी है, शिक्षण अधिकारी, इनको ध्यान देना चाहिए इसमें। अभी आप लोगों ने प्रिंसिपल से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि कल शायद मनपा अधिकारियों ने इन लोगों को बुलाया है कि किस तरह का खाना है, क्या कुछ हेयरिंग है इन लोगों की? हाँ, उन्होंने बताया कि उनकी कोई कंप्लेंट इनकी भी गई है स्कूल वालों की, तो शायद न्यूज़ में वगैरह भी आया है, तो अभी मनपा अधिकारियों से उनकी बातचीत है। लेकिन बातचीत करके क्या, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, जो ये खाना मुहैया करा रहे, वो कॉन्ट्रैक्टर को पहले बंद कर दो, वो एजेंसी को बंद कर दो, और कोई सही आदमी जो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में सोचे, खाना देना भी एक बहुत अच्छी बात है, तो उसके बारे में सोचने वाला कोई अच्छा आदमी है वो अच्छी संस्था को ये काम दो जो सही में कुछ करना चाहती है। मनपा की तरफ से ये खाना आ रहा था यहाँ पर, और इसके ऊपर जो है जो स्कूल है पढ़ रहे बच्चे उनको जिला परिषद के तरफ से खाना आ रहा है, तो एक ही जगह पर अलग अलग खाना आ रहा है। ऊपर जो है मेनू वाइज बराबर खाना आ रहा है, लेकिन नीचे का खाना सही नहीं। वही ठाणे महानगर पालिका है जो लोगों को सेहतमंद रहने की नसीहत देती है, और उस महानगर पालिका की तरफ से ऐसा खाना आ रहा है कि जिसे खाकर बीमार पड़ जाए। ठाणे महानगर पालिका सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर रही है और नसीहतें दे रही है, लेकिन काम में कुछ नहीं कर रही है। वो रिजल्ट तो ये दिख रहा है कि बच्चों के खाने तक में मिलावट है। मिलावट क्या, खाना दे ही नहीं रहे बराबर। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनको ये दाल का पानी खिलाएंगे क्या? अरे नहीं जमता मत करो। मुमरा में कई संस्था अच्छा खाना खिलाएंगी बच्चों को, ये ठाणे महानगर पालिका की दिखावे की जो सहानुभूति नहीं चाहिए। दूसरी बात, ऊपर जिला परिषद का खाना आ रहा है, वो खाना बहुत अच्छा आ रहा है, और जैसा मेनू वो हिसाब से आ रहा है, तो जिला परिषद दे सकती है, ठाणे महानगर पालिका क्यों नहीं दे सकती? अधिकारी क्या इतना खा रहे कि बच्चों का भी खाना खाना चाहते हैं अभी? बबलू भाई, कल जब खबर चली थी उसके बाद आप लोगों ने यहाँ के विधायक से बातचीत की थी, उसके बाद आप लोगों को यहाँ भेजा गया है, तो विधायक से क्या बातचीत? ने कल जो आपकी न्यूज़ का मीडिया में आने के बाद सर से जब हमारे माननीय आमदार डॉक्टर जितेंद्र और साहब से जब बात हुई, तो उन्हें इस बारे में उनका कहना यही था कि बच्चों के सेहत से खिलवाड़ न किया जाए।
देखो एक दोहरा मापदंड हो रहा है। वही जिला परिषद के स्कूल ऊपर है, ठाणे महानगर पालिका के नीचे स्कूल है। यहाँ पट संख्या 799 है, तकरीबन 700 लोग हाजिर रहते हैं। उसके बाद भी खाने का जो लेवल है एकदम निचले दर्जे का है। और वही जिला परिषद का स्कूल का जो खाना है वो अच्छे दर्जे का, जैसा मेन्यू रहेगा वैसा आपको खाना मिलता है। यहाँ की टीचर, यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ के टीचरों का, बच्चों का कहना है कि जिला परिषद का खाना अच्छा आ रहा है, ठाणे मानक बनिस्बत ठाणे महानगर पालिका का खाना अच्छा नहीं है। हालाँकि हमारे अभी बंटी भाई थे, बबलू भाई थे, इन्होंने खाना खा के चखे, उसमें दाल नाम की कोई चीज़ ही नहीं, दाल के नाम पर सिर्फ पानी। चावल का दर्जा भी एकदम निचले दर्जे का है। मैं ठाणे प्रशासन से, ठाणे महानगर पालिका से मैं आपको निवेदन करता हूँ, कल के इनकी कल एयरिंग भी है अब शिक्षण मंडल के अधिकारी के पास, मगर मैं ठाणे महानगर पालिका से मांग करता हूँ कि बच्चों के सेहत से खिलवाड़ न करें। बच्चे आज का हमारे हिंदुस्तान का भविष्य है, भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे मैं ठाणे महानगर पालिका से और यहाँ का जो जिसी को खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको नोटिस दे, उनको अल्टीमेटम दे कि आपका खाने का दर्जा सुधारिए, नहीं तो हमको आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपका टेंडर कैंसिल किया जाएगा। मैं ठाणे महानगर पालिका से, शिक्षण अधिकारी से, मैं अभी मैं हम यहाँ से जब जाने के बाद हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवर साहब से भी बात करेंगे, मगर ये जो खाना दिया जा रहा है ये बच्चों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बबलू भाई, खाना जो आ रहा है वो भी 800 बच्चों की जगह जो है उस क्वांटिटी बताया जा रहा है कि काफ़ी कम आ रहा है। देखिए, हमने बहुत टाइम से ये सुना है कि जो जेल में खाना मिलता है ना, वहाँ पर दाल की जगह पानी मिलता है, रोटी की जगह पापड़ मिलता है, चावल की जगह सख्त वो पत्थर के टुकड़े मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जेल के कोई कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा कि वहाँ पर जेल में जो कैदी लोग खाना नहीं खाते होंगे तो वो कैदियों का खाना ला के यहाँ बच्चों को खिला रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरीके का खाना वो यहाँ ला के दिया है, तो हमने तो अपनी लाइफ में कभी, अल्लाह माफ़ करे, इतना मौका भी ही नहीं आया। गरीबी में भी और अच्छे टाइम में भी अच्छा ही खाना मिलता था। बच्चों के साथ में भी किस तरीके का खिलवाड़ ये ठाणे महानगर पालिका कर रही है, वो अधिकारी से मिलके कर रही है, क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है। स्कूल ने खुद कई बार कंप्लेंट किया है कॉरपोरेशन में अधिकारियों को, इससे सीमित जो लगे हुए अधिकारी उनको, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई एक्शन होने तैयार नहीं है। 800 बच्चों का लगभग 787, मैडम ने हमको बताया कि 787 बच्चों का खाना, लगभग 800 बच्चों का खाना होता है, जिसमें से मुश्किल से 200 से 300 बच्चों का भी खाना नहीं होता है जो आता है। एक एक डब्बा आता है। अभी आप डब्बे की क्वांटिटी देखिए, ये ऐसे एक एक दो दो डब्बे आते हैं। आप मुझे बताइए इसमें 800 बच्चे कैसे खाना खा सकते हैं। ये डब्बे हैं, मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है दो दो किलो के डब्बे होंगे शायद, इससे ज़्यादा खाना नहीं है। मतलब ऐसा मिला के 4-6 किलो चावल और उसी के साथ में दाल आती है, 5 डब्बे। हाँ, तो इसमें जो मैक्सिमम बच्चे जो है ये गरीब तबके के बच्चे हैं, मुमरा शहर के जो एकदम निचले, जो एकदम लोअर मिडिल क्लास के जो लोग के बच्चे वो पढ़ रहे हैं, वो दोपहर का खाना ये सोच के उनके माँ बाप उनको यहाँ स्कूल में भेजते हैं कि स्कूल में खाना मिलता है। लेकिन बच्चे जो है उनको एक वाटी में दाल और उसी में खाना, और उसी में 2-3 बच्चे मिलके खा रहे हैं, तो बच्चों का पेट कैसे पलेगा। ठाणे महानगर पालिका ये बोलती है कि स्वस्थ मुमरा सुंदर मुमरा, तो स्वस्थ कहाँ से होगा मुमरा जब आप बच्चों को यहाँ पर विकलांग करने पर लगे पड़े हुए हैं, बच्चों को कमज़ोर करने पे लगे पड़े हुए हैं। कैसे हैं वो बच्चे अपने आप के अंदर, वो कैसे पढ़ाई करेंगे जब वो मानसिक की अगर वो कमज़ोर हो गए, सेहती कमज़ोर हो गई उनकी, तो पढ़ाई कैसे अच्छी से कर सकते हैं। आप लोग मुमरा का भविष्य ख़राब कर रहे हैं, और इसमें ये भविष्य करने में कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है कौन कॉन्ट्रैक्टर है। इंशाल्लाह ताला बबलू भाई हमारे मुमरा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हम लोग इसकी कंप्लेंट उसको निष्कासित करने के लिए इंशाल्लाह डालेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट करेंगे कि तू क्या बेस पर खाना कर रहा है, तेरे को खाने की क्वालिटी कितनी देनी है, तू खाना कितना पहुँचा रहा है, ये आगे की कार्रवाई हम पूरी करेंगे। अभी मैं क्या बताऊँ। देखिए भाई, अभी हमारे सभी राष्ट्रवादी पार्टी के सीनियर लोग सब हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो अभी आपने देखा रहेगा कि खाने की क्वालिटी कुछ भी नहीं है, दाल के नाम पे पानी दिया जा रहा है। और आप भी यहाँ पे मौजूद थे, जिस सर से हम लोग बात कर रहे थे वो सर ने मोबाइल में अपने मैसेज दिखाया, आपने देखा वो कॉन्ट्रैक्टर से वो बार बार उनको कॉल कर रहे, मैसेज कर रहे, कॉन्ट्रैक्टर जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कॉन्ट्रैक्टर उनको मैसेज कर रहा है कि मैं नरेश मस्के के साथ भी बाहर हूँ, मैं सीएम के साथ बाहर हूँ। मतलब सीएम का ख्वाब दिखाकर आप क्या लोगों को भ्रष्टाचार कर रहे। और हमारी तो यही मांग है कि इस शिक्षण विभाग के जो अधिकारी इसमें शामिल है, जो अधिकारियों का पेट नहीं भर रहा है, जो बच्चों के खाने में भी भ्रष्टाचार कर रहे, उन अधिकारियों पे भी एक्शन होना चाहिए। वैसा मेमोरेंडम हम अवार्ड साहब के माध्यम से बबलू भाई की तरफ से हम देंगे प्रशासन। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो खाना आ रहा है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं
राजनीतिक पार्टी के लोग भी आज स्कूल में पहुंचे थे और विधायक जितेंद्र अवार्ड के ये तमाम कार्यकर्ता हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि बच्चों का जो खाना आ रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इस तरह का घटिया किस्म का खाना यहाँ पर भेज रहा है उस पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।